हेमंत सरकार के एक साल की उपलब्धि सरकार के लोग ही गिना नहीं पा रहे हैं। इसे जनता खुद समझ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार कितना काम कर रही है। दरअसल भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोडरमा में भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रेस वार्ता में सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद थी। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार में महिला उत्पीड़न दुष्कर्म के मामले बेलगाम हुई हैं। साथ ही थाना से लेकर ब्लॉक तक बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। कोडरमा से विक्की केशरी की रिपोर्ट। अब हम तो ये नहीं बता पाएंगे भी कौन सा विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया, जो खुद भी वो नहीं बता पाते। हमारी तो आप छोड़ दीजिए, अगर उनके लोगों से भी अगर आप पूछेंगे कि उन्होंने इन एक वर्षों में कौन सा काम किया, तो शायद उन लोगों के पास भी कोई उत्तर नहीं। हमने तो कहा कि सरकार का जो पहला कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, ताकि आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, माँ बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। लेकिन आज इस प्रदेश में चारों तरफ असुरक्षा की भावना, खास करके महिलाओं के ऊपर, जो एक साल में लगभग ये 1700 ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनमें भी सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, कमजोर तबके के महिलाएं थी, और उसमें से जो छोटे छोटे बच्चे को कम एज के उनके साथ दुष्कर्म और हत्या भी कर दी गई। तो ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है, क्योंकि पहला काम सरकार की यही है और सरकार से आम लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं कि कम से कम राज्य में अमन चैन होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे।